स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों ने जो रिवाइज किया उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आपको डाउट हुआ होगा, राइट? जीओसी में जैसे भाविया ने अभी बताया कि इसको टॉटोमेरिज्म में डाउट है, और बताओ बाकी लोग किस पोर्शन में डाउट है? सर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसी के अंदर आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, और बताओ बाकी लोग। अभी आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो सर वो हाउ टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वो वाला पार्ट थोड़ा। स्टेबिलिटी और एसिडिटी बेसिसिटी, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग आप पहले पेपर डिस्कशन से शुरू करते हैं। इसी में इसका कुछ टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी कवर हो जाएगा, एसिड बेसिसिटी कवर हो जाएगा। ये हम आज एक होमवर्क देंगे, होमवर्क की शीट देंगे आइसोमेरिज्म पे बेस्ड। उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट ये तीनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर टॉपिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जीओसी, ठीक है। दिस इज आइसोमेरिज्म, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। व्हाट आई एम आस्किंग, अभी जीओसी, जीओसी में कुछ डाउट है? जीओसी में अभी अक्षु ने बताया स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी। इसके अलावा बाकी सब क्लियर है? मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं, रिएक्शंस कैसे बढ़ता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन, कार्बिन इंटरमीडिएट, वो सब डाउट है? सारे इंटरमीडिएट है, सिर्फ कार्बिन इंटरमीडिएट? नहीं, सिर्फ कार्बिन। कार्बिन, ओके। और कुछ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ओके। और कुछ? चलो ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब क्लियर है सबको? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, ओके। ओके, तो कुल मिला के पूरा चैप्टर हम लोग को फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी इसको एक बार पेपर देख लेते हैं, ठीक है। तो पेपर डिस्कशन में हमको लगता है ये कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अगर नहीं कवर हुआ तो एंड में आप पूछ लेना, ठीक है। बाकी ये चारों टॉपिक्स हम लोग का पेपर डिस्कशन में ही कवर होने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास ये पेपर का हार्ड कॉपी है मेरे पास, आप लोग भी अपने मोबाइल में लैपटॉप में खोल के रख लो इसको, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है सबको? हेलो, यस सर। क्वेश्चन वन में आपको एसिडिटी की ऑर्डर बतानी है, ठीक है। तो एसिडिटी के क्वेश्चंस का एक रूल होता है, रूल ऑफ कंपेयरिंग एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, तो ये रूल क्या होता है हमारा, सबसे पहले इस रूल को देखते हैं। तो जब भी किसी दो एसिड को आपको कंपेयर करना हो, लेट अस से एक एसिड आपका HA है एंड सेकंड वन इज HB, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डीप्रोटोनेट द एसिड, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस, इट इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। And then we are going to compare the stability of these two anions. Okay? So the rule is whichever anion is more stable, that is better acid. Okay? So who will be better acid?
in whichever case the anion that is getting formed on deprotonation, that is more stable. Theek hai? So based on this argument, let us try question number one. So the first question was, you have to draw the correct order of acidity between ROH, HOH, then HC triple bond CH, then H2C double bond CH2, and H3C CH3. ठीक है, so like this. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी प्रोटोनेट करके इसका जो अनायंस है ये सबका अनायंस ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, सो हियर द अनायन दैट विल बी फॉर्मड इज आर ओ माइनस, हियर द अनायन दैट विल बी फॉर्मड इज एच ओ माइनस, हियर द अनायन विल बी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, हियर द अनायन विल बी एच टू सी सी एच माइनस, हियर द अनायन विल बी एच थ्री सी सी एच टू माइनस. ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इन अनायंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आता है फिर रूल ऑफ स्टेबिलिटी, रूल ऑफ कंपेयरिंग स्टेबिलिटी. तो अभी हम लोगों ने देखा रूल ऑफ कंपेयरिंग एसिडिटी. ठीक है, सेकेंड वन इज रूल ऑफ कंपेयरिंग स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी किसी दो आयंस का हम कैसे कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, तो सबसे पहला रूल है, एनी फैक्टर, ये येलो कलर दिख रहा है सबको या फिर कोई और मार्कर यूज करें, कैन वी यूज अनदर मार्कर, रेड यूज करते हैं. ठीक है, सो एनी फैक्टर दैट लीड्स टू चार्ज इंटेंसिफिकेशन, चार्ज इंटेंसिफिकेशन causes instability. ठीक है, किसी भी फैक्टर से अगर क्या हो, चार्ज का इंटेंसिफिकेशन हो रहा हो, मतलब अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो किसी और फैक्टर के कारण वो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा हो, ठीक है, तो then that causes instability. और in other words, इसी का vice versa, इसका corollary आप कह सकते हैं, any factor that leads to charge dispersion, charge dispersion causes stability. ठीक है, तो stability कैसे आता है, जब किसी factor से charge क्या हो, increase हो रहा हो. ठीक है, तो अब हम लोग को basically stability compare करने के लिए ये जो minus charges है इनको कंपेयर करना है. ठीक है, बगल वाले के कारण ये माइनस चार्ज हमारा इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, बोलो एक बार. ठीक है, तो अब हम बगल वाले के इफेक्ट को देखते हैं. सबसे पहले इन तीनों को कंपेयर करना बहुत आसान है. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा निगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन अ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp3, sp2 या फिर sp? sp, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. क्यों? सो 50% s का परसेंटेज. हाँ, वेरी गुड. तो यहाँ पे फिर ये रूल आप लोग याद रखना. ठीक है, मोर s कैरेक्टर more electronegativity. ठीक है, more s character more electronegativity. ठीक है, तो यहाँ पे s character सबसे ज्यादा है, तो इन तीनों में हम आराम से कह सकते हैं जितने ज्यादा electronegative element पे negative charge हो वो क्या होगा, ज्यादा stable होगा. बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों में हम आराम से कह सकते हैं ये best acid होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्योंकि ये क्या है, most stable है, most stable. ये बीच में होगा और ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज थ्री आई एम टेलिंग. ठीक है, और ये इंटरमीडिएट. ठीक है, तो ये तीनों हमारे हो गए. अच्छा, अब इस पे आते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करते हैं. ठीक है, लेट मी यूज अनदर मार्कर. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वायलेट कलर यूज कर रहे हैं. ठीक है, फॉर कंपेयरिंग एच ओ माइनस एंड दिस थिंग. ठीक है,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है. अब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा या फिर कार्बन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन पे वाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सेम रीजन. ठीक है, तो बिकॉज ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑल्दो दिस इज ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, दिस विल बी अ बेटर एसिड. ठीक है, अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे चार्ज इंटेंसिफिकेशन हो रहा है. ठीक है, ये चीज जो है इसको कुछ नेगेटिव चार्ज देगा, डेल्टा माइनस. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट याद है सबको, अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ठीक है, yes, तो ये इस पे क्या कर रहा है, ये माइनस चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है. ठीक है, पहले से नेगेटिव चार्ज है और ये और इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है. तो एनी फैक्टर दैट लीड्स टू चार्ज इंटेंसिफिकेशन, इट कॉजेज इनस्टेबिलिटी. तो ये वाला हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होगा, कम स्टेबल होगा. ये चीज समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? यस सर. ओके, तो ओवरऑल ये ऑर्डर जो होता है, दिस इज स्लाइटली एक्सपेरिमेंटल. यहाँ ये तीनों में हम एग्जाम में ये नहीं आएगा. ठीक है, ये हमने जानबूझ के थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया था, एग्जाम में ये नहीं आएगा. एग्जाम में मैक्सिमम ये तीनों आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं, ये पांचों कहीं एक साथ नहीं आ सकता. ठीक है, क्योंकि इसका दिस इज लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी, लेकिन इस ऑर्डर में ये कहाँ आएगा, दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, तो आप लोग ये ऑर्डर याद रख लो. इसका आंसर हो जाएगा H2O सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ROH होगा, उसके बाद HC ट्रिपल बॉन्ड H, उसके बाद H2C डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर. हाँ बोलो सर, ये जो ROH है, इस केस में आपका जो ऑक्सीजन है वो तो आपका मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचे, मतलब वो तो अट्रैक्ट करेगा, तो फिर मतलब एज तो आपका एसिडिक हो जाएगा यहाँ. कौन सा एज? ये हाँ, तो एज तो सारे केस में एसिडिक है ना, सारे हाँ. केस में ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो एज तो सारे से खींच रहा है. आपका पॉइंट क्या है सर? मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ कि सर इधर आर आपका मतलब पॉजिटिव मतलब आई इफेक्ट दिखा रहा है, और ओ आपका मतलब एच से तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो वो खींचेगा. हाँ, फिर एच तो आपका एसिडिक हो जाना चाहिए. हाँ, तो एसिडिक है ना, ये वाला एच एसिडिक है. अच्छा, ये दूसरा वाला एच कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि H2O से ज्यादा वो क्यों नहीं हुआ मतलब. अच्छा, क्योंकि ये अनायन ज्यादा अनस्टेबल है ना, ये हाइड्रोजन जो है, ये आर 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 जो आर की जो प्लस आई टेंडेंसी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है. ठीक है, तो इसलिए आर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. बात समझ में आ रही है? ओके सर. ठीक है, तो इसको नोट कर लो. क्लियर है? आगे बढ़े सर, थोड़ा रुको. नोट कर लिया सबने? यस सर. अच्छा ठीक है, आप लोग एक काम करो, आप लोग बस इसको समझो अच्छे से, हम ये पीडीएफ आपको भेज देंगे, पीडीएफ बना के. ठीक है, तो नोट करने में क्योंकि टाइम चला जाएगा. ओके, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन. फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में आपको एसिडिटी कंपेयर करनी है किसकी, HCOOH की और बेंजोइक एसिड और CH3COOH. ठीक है, अगेन ये जो क्वेश्चन है दिस इज लिटिल बिट फैक्चुअल, ये इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए. ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, इस दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, दोनों का आप अनायन ड्रॉ करो, यहाँ पे जो अनायन होगा
HCOO माइनस, यहाँ पे क्या होगा CH3COO माइनस, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, HCOO माइनस, ठीक है। इन दोनों में हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, अगेन इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CH3 इंडक्टिव इफेक्ट से इधर इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन की इंडक्टिव इफेक्ट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो ये नहीं देगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज इंटेंसिफिकेशन दैट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एच सी ओ एच, ठीक है। तो इस स्टेप से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एच सी ओ एच इज ग्रेटर देन सी एच थ्री सी ओ ओ एच। बात समझ में आ रही है? Sir, can you repeat once? Here what you are seeing, this CH3 is showing plus I effect, ठीक है? कोई भी alkyl group जो होता है, that shows plus I effect. Plus I effect के कारण क्या होगा? It is going to have some negative charge over this O minus, ठीक है? And that is going to lead to charge intensification. And just now we studied charge intensification leads to instability. So this will be unstable. This will be more stable, and that is why this is a better acid in comparison to CH3COH. Is it clear to everyone? Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ बोलिए. Sir, यहाँ आपका CH3 plus I effect दिखा रहा है, और दोनों oxygen molecule तो आपका electron मतलब electron cloud को खींच रहा है, तो मतलब वो कैसा unstable हो रहा है इधर? नहीं. हमने ये जो हमारा इफेक्ट है, ठीक है, ये जो ग्रुप है, ये तो दोनों में कॉमन है. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जब भी दो के बीच हमको कंपेयर करना हो, तो हम देखेंगे डिफरेंस किसके कारण हो रहा है, ठीक है. अब अंदर में ये कंपेंसेट वो सब हो रहा है, वो दोनों में होगा, वो दोनों फैक्टर दोनों के लिए इक्वली मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है जिसके कारण डिफरेंस आएगा, वो हमको एनालाइज करना है. समझ में आया? ठीक है. फिर हम लोग इस पे आते हैं, ये हमारा बेंजीन का है, तो इसका जो अनायन होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. ओके, तो ये हमारा आर जो होता है, दिस बेंजीन ग्रुप, दिस इज आल्सो स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है. रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देता है, और this is also leading to charge intensification, that is why this is leading to unstability, ठीक है. Unstability ये produce करता है. अब इस दोनों में unstability हम कैसे compare करेंगे, तो this is slightly experimental, ठीक है. तो आपको ये चीज क्या करना है? हाँ बोलो सर. सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन मतलब रिंग जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो तो दूसरे ऑक्सीजन को दे रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, उससे उसको कैसे अफेक्ट करेगा? देखो यहाँ पे आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है. प्लस ओ माइनस, वन सेकेंड, डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है. फिर इसका जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज तो हमने डायग्राम में ड्रॉ मतलब, हाँ बोलो. इसका मतलब तो चार्ज डिस्पर्स हो जा रहा है मतलब रेजोनेंस के थ्रू. हाँ, तो चार्ज ये ये डिस्पर्स भी कर रहा है और बाहर से दे भी रहा है, ठीक है. थोड़ा सा दे भी रहा है और थोड़ा सा ये ले भी रहा है मतलब रेजोनेंस से. तो दैट इज व्हाई इसका इफेक्ट जो होता है वो रेजोनेंस इफेक्ट तो ज्यादा मतलब इफेक्टिव है देन इंडक्टिव. हाँ, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट. लेकिन हमारा बेंजीन जो होता है, यहाँ पे बेंजीन का आप देखो, बेंजीन इज नॉट वेरी क्लियर कि ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है. बात समझ में आ रही है? रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन शोज प्लस आर इफेक्ट ऑल्सो एंड इट शोज माइनस आर इफेक्ट ऑल्सो, तो ओवरऑल इसका इफेक्ट ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है. समझ में आ रही है सबको? ओके सर. ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पे बेंजोइक एसिड का नंबर यहाँ पे बीच में आता है. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. PH COOH, उसके बाद आता है CH3COH.
है, बाकी जितने भी एसिटिक एसिड सॉरी जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे वो फर्दर इसी सीरीज में आएंगे. बस एक HCOOH ऐसा होता है विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन BHCOOH. ठीक है, दिस इज समथिंग एक्सपेरिमेंटल. आप फैक्ट्स वगैरह लगा के इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मोर ऑर लेस दिस इज एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, ओके आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रुक जाइए देख लो एक बार, नोट करने का जरूरत नहीं, हम ये PDF भेज देंगे आपको. ठीक है देन थर्ड क्वेश्चन वाज, थर्ड क्वेश्चन अच्छा था. दिस इज OH N2 OH CN. ठीक है, इन पांचों में आपको क्या करना है, एसिडिटी कंपेयर करना है. ठीक है, तो आप लोग बताओ कैसे करेंगे कंपेयर. इसको एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है, फिर हम बताते हैं. एक बार इसको ट्राई करो, एक मिनट का टाइम है आपके पास, देन आई विल एक्सप्लेन. जैसे दिस इज योर कंपाउंड नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. ठीक है, ऑल ऑफ यू शुड टेल मी एन आंसर. ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आंसर आप सब लोग बताओ. हुआ ये, इसका आंसर बताओ जल्दी. ओके रिया आप बताओ आंसर इसका. ओहो सो फर्स्ट NO2 देन CN देन COOH Then SO3H, then CH3. Okay, Bhavya? Hello, Bhavya, can you hear me? Yes, sir. Good.
सर पहला वाला होगा NO2 then CH3 CH3 then C double OH C double OH SO3H फिर उसके बाद CN CN ठीक है अमीशा हेलो अमीशा यस सर सर पहले NO2 then CN then C double OH then SO3H and last CH3 CH3 ओके अविंशु सर पहले CN फिर NO2 फिर COOH then CH3 then SO3H पहले CH3 फिर SO3H ठीक है तो आप सबका आंसर पूरा गलत है पूरा मतलब बहुत ज्यादा गलत ना गलत नहीं होना चाहिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें से एसिडिक ग्रुप कौन है एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है ठीक है तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हमारा ये है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये नहीं है ठीक है ये है सबको पता है ना क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ बिटर एसिड इन कंपैरिजन टू फेनॉल एवरीवन नोस दिस यस सर तो फिर ऐसा क्यों बोला आपने अगेन हियर आल्सो दिस इज अ सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड इज इवन बेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो तो ये तो बेस्ट हो जाएगा ठीक है ये सेकंड बेस्ट हो जाएगा ये बेस्ट हम सेकंड बेस्ट ये इसको कैसे बोल रहे हैं बिकॉज SO3H इज बेटर एसिड इन कंपैरिजन टू COOH एंड दिस इज बेटर एसिड देन PHOH एंड सबसे खराब एसिड होता है हमारा ROH ठीक है ये ऑर्डर होता है हमारे एसिडिटी का तो बेस्ट ये हो गया सेकंड बेस्ट ये हो गया अब इस तीनों में कंपेयर करते हैं ठीक है तो इस तीनों में एसिडिक हाइड्रोजन हमारा सेम है फिनॉल ग्रुप है ठीक है ओके तो तीनों का हम ऑक्साइड बना देते हैं ठीक है सॉरी फिनॉक्साइड बना देते हैं मतलब रिस्पेक्टिव अनायंस जो ये बनाएगा H+ लूज करने के बाद ठीक है दिस विल फॉर्म NO2 दिस विल फॉर्म CN ठीक है एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म CH3 O- तो इस तीनों को अब अपन को कंपैरिजन करना है ठीक है तो NO2 क्या है NO2, अब हम लोग सबसे पहले जब भी ऐसा कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो हम लोग ये देखेंगे ये बाहर से जो तीनों ग्रुप्स लग रहे हैं NO2 CN और CH3 ये कौन कौन सा इफेक्ट शो करते हैं ठीक है आउट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट सबसे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी इफेक्ट ये शो करते हैं उसको हम नीचे नोट कर लेंगे ठीक है तो NO2 कौन कौन इफेक्ट शो करेगा अविंशु आप बताइए सर माइनस आई और माइनस आई और प्लस आर प्लस आर प्लस आर ये कैसे कर रहा है माइनस आर करेगा ना रेजोनेंस से भी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ठीक है इधर से इधर जाएगा फिर बाहर से जो हमारे यहाँ डबल बॉन्ड है उधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो बाहर से खींच रहा है ठीक है तो ये माइनस आई और माइनस आर ओके सी एन क्या क्या शो करेगा कौन बताएगा रिया आप बताइए व्हाट विल बी द इफेक्ट शोन बाय सी एन सर माइनस आई और माइनस आर माइनस आई एंड माइनस आर ठीक है तो ये रेजोनेंस से भी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा अपने तरफ और यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो इधर से आएगा और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये नाइट्रोजन है उसके कारण क्या करेगा इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाएगा ठीक है देन CH3 क्या करेगा भव्य आप बताइए सर प्लस आई एंड एच हाइपर कंजुगेशन प्लस आई एंड प्लस एच ठीक है हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है ठीक है अच्छा किसी को माइनस एच इफेक्ट पता है माइनस हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देते हुए देखा है कभी किसी ने नहीं सर ओके तो इसका भी एग्जांपल होता है CCl3 जो होता है एक ही एग्जांपल है ठीक है
जब एक क्लोरीन प्रेजेंट हो हमारा और यहाँ पे क्या हो कुछ अनायन हो, ठीक है, तो इस केस में हमारा, सॉरी सही बोला ना हमने, हाँ सही बोला, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ पे कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, Cl डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ऐसा सिचुएशन होगा जब भी हमारा क्या हो कोई लोन पेयर या फिर कोई पाई बॉन्ड बगल में अगर उसके क्लोरीन हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड भी हमारा शो कर देगा Cl, this will also show minus hyperconjugation, इधर आ जाएगा और ये Cl minus, इस तरह से इसका structure हो जाएगा Cl minus Cl double bond plus like this, ठीक है, okay, तो this is your negative hyperconjugation, चलेगा, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है, कोचिंग में कई कोचिंग में पढ़ाया भी नहीं जाता। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसमें आप लोग को एक रूल याद रखना है, ठीक है, शायद आप लोग को पता भी हो कि हाइपर रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, तो ये हमारा रूल होता है। तो, और सर अगर ऑक्टेट रीच कर गया, ऑक्टेट रीच कर गया मतलब, अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर ऑक्टेट में आ गया, ऑक्टेट में आ गया मतलब समझ नहीं रहा आपका, मैं एलिमेंट ऑक्टेट में आ गया मतलब, अभिषु बताइए, ठीक है, आप इसको थोड़ा सोच के मेरे को बताना आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन, इस दोनों में क्या होगा, रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, इस दोनों में रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, इस दोनों में हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करेगा, ठीक है, ओके, तो हम लोग क्लियरली ये कह सकते हैं कि NO2, CN, दिस विल बी ग्रेटर देन हमारा CH3, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को रिड्यूस कर रहे हैं डेल्टा प्लस लेकर, तो NO2 और CN क्या होगा, दिस विल बी बेटर देन CH3, ये चीज क्लियर है सबको, हाँ सर, हाँ, अब फिर इन दोनों में अपन कैसे कंपेयर करेंगे, तो माइनस आर ग्रुप का भी एक ऑर्डर होता है, ठीक है, तो NO2 का जो माइनस आर होता है दैट इज ग्रेटर देन CN का माइनस आर, ठीक है, तो मतलब NO2 का माइनस आर डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब माइनस आर से वो क्या कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो लेट अस से इफ दिस इज 2 डेल्टा प्लस एंड दिस इज डेल्टा प्लस, ठीक है, तो ये ज्यादा चार्ज कॉम्पेंसेट कर रहा है, सो दिस विल बी बेटर एसिड इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सबसे बेस्ट होगा हमारा SO3H, उसके बाद होगा COOH, उसके बाद होगा NO2, उसके बाद हो जाएगा CN और सबसे खराब होगा CH3, क्लियर हुआ ये चीज सबको, यस सर, आप लोग को थोड़ा ये GOC का प्रैक्टिस करना होगा, ये सब मतलब ये सब थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ओके, हिमांशु पांडे बनाया है सबने, बोलो बोलो आपको, नहीं सर मैंने नहीं बनाया, ओके, तो बनाना चाहिए आपको, ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस टिक लगा के भेज देंगे, मतलब टिक नहीं लगा के, क्वेश्चन नंबर बता देंगे, वो आप लोग होमवर्क में बनाना, ठीक है, इसको देख लो एक बार, किसी को कुछ डाउट है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अरे बाप रे टाइम होने वाला है क्लास का, तो एक ही क्वेश्चन, चलो ठीक है आगे बढ़े, यस सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्लस आई इफेक्ट कंपेयर करना था, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट कंपेयर करना था अलग अलग ग्रुप्स का, सबसे पहला इसमें ग्रुप था क्या,
NH3 plus, फिर CL, फिर NO2, फिर SO3H, ठीक है? तो ये सारा का सारा डेटा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? इसका जो ऑर्डर होता है ये हम आपको होमवर्क में दे देंगे, इसका पूरा एक लिस्ट होता है, that you have to memorize. थोड़ा बहुत इसको गेस कर सकते हैं, ठीक है? NH3 plus हमारा ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू NO2, ठीक है? उसके बाद आएगा हमारा SO3H, उसके बाद आएगा CL. इन दोनों में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली वो लिस्ट जो हम देंगे उससे आप लोग देख लेना एक बार. सेकंड केस था, हाँ, इस केस में आप लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हैं CO2, CO2H, CO2, CL. सर, NO2 का तो हाईएस्ट माइनस आई कर देता है ना? हाँ, NO2 का हाईएस्ट माइनस आई, नहीं माइनस आई नहीं, प्लस आई. अच्छा, एक मिनट, अरे रे रे, ये प्लस आई लिख दिया हमने, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, माइनस आई होगा. ये सारे माइनस आई के ग्रुप ही हैं, बाल सारे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं यहाँ पे, गलती से हमने प्लस आई लिख दिया. चलो ठीक है, हम करेक्ट कर लेंगे इसको. ये सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है? नाइट्रोजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये नाइट्रोजन इधर से खींचेगा, सल्फर इधर से खींचेगा, कार्बन इधर से खींचेगा, ठीक है? सारे माइनस आई इफेक्ट है. सॉरी, ये क्वेश्चन गलत था. ओके, इन चारों में बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. ओके, आप लोग कौन कौन हो, ठीक है? चारों मेरे को बताओ जल्दी से, अविंशु, अमीशा, ओशी, रिया एंड भव्य. सब लोग अपना अपना आंसर रेडी रखो. ठीक है, ओके. अविंशु, आप बताइए क्या होना चाहिए. सर, मतलब ग्रेटर देन, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. हाँ, सबसे पहले कौन होगा? 4, 3, 2, 1 में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है? आपको बताना है. नहीं सर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलू या इंक्रीजिंग, कोई भी बता दो. बेस्ट कौन है इन चारों में? थर्ड होगा, थर्ड बेस्ट होगा. उसके बाद थर्ड वाला होगा. उसके बाद फिर फर्स्ट, फर्स्ट. उसके बाद सेकंड, देन फोर्थ. सेकंड, देन फोर्थ, ठीक है. अब अविंशु, ये आपने कैसे कंपेयर किया फर्स्ट और थर्ड को, कैसे कंपेयर किया? H और R से, मतलब H और R. तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कंपेयर करेंगे, कौन एलिमेंट कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है? तो C डबल बॉन्ड O तो सबके साथ है, ठीक है? तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, दैट विल बी, दिस इफेक्ट विल बी कॉमन टू ऑल फोर. बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंस किधर से आएगा, ये जो इधर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ठीक है? अब इन चारों में आप कंपैरिजन करो, ये क्या है, दिस इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है? सिमिलरली दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन. सर, क्लोरीन तो आपका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है. क्लोरीन एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग नहीं, एक्टिवेटिंग पे हम जा ही नहीं रहे ना. हमने क्या बोला, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा. समझ में आ रही है? देयर यू जस्ट हैव टू कंपेयर माइनस आई. माइनस आई मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सिमिलरली दिस इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन, एंड इसका इफेक्ट ओवरऑल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है? हाइड्रोजन इज प्लस आई शो करता है, बट इट इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है? वेरी वीक, वेरी वीकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है? ओके, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड कॉमा फोर्थ, ये क्या होगा,
बेटर होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड सॉरी दिस विल बी बेटर इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड दिस विल बी बेटर देन सेकंड. ये चीज समझ में आया सबको ये ऑर्डर हम कैसे कह रहे हैं. देखो हमने क्या किया माइनस आई अपने को कंपेयर करना है. ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसका माइनस आई बेटर होगा इन दोनों का. और ये क्या करेगा इसका ओवरऑल न्यूट्रल है तो ये बीच में आ जाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उल्टा इफेक्ट शो कर रहा है तो ये सबसे खराब होगा. तो ये ऑर्डर क्लियर है सबको. हाँ सर. ओके किसी को डाउट नहीं है पक्का पक्के से बोलो. यस चलो ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में आता है. तो थर्ड हमारा क्या है ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ठीक है तो थर्ड विल बी बेटर देन फोर्थ एंड दिस विल बी बेटर देन फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द वर्स्ट. समझ में आ रहा है सबको. फोर्थ तो क्लोरीन है सर. हाँ क्लोरीन है ना. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. ये पता नहीं आपको ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर याद है सबको. बताओ मेरे को पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है. जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे उनका नाम बताओ. सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन क्लोरीन देन ब्रोमीन then iodine then sulfur sulfur and iodine and carbon sorry अच्छा sorry i नहीं आएगा इधर sulfur iodine and carbon और उसके बाद finally आता है hydrogen almost equal to phosphorus. ठीक है ये हमारा overall क्या होता है electronegativity का order होता है. this order is very very important organic chemistry में ये बहुत बार use होगा. ठीक है तो इसको memorize करना है. इसके लिए हमने एक trick बनाया है. ठीक है ट्रिक क्या बनाया हमने NCL बोले तो नकल. ठीक है एग्जाम में लोग नकल करते हैं. ठीक है नकल करने में क्या आता है फन आता है मजा आता है. ठीक है फन और उसके बाद क्या होता है टीचर पकड़ ले तो पीटते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिक. ठीक है और सिक होने पे कहाँ जाते हैं हॉस्पिटल. ठीक है तो फन नकल बीमार से हॉस्पिटल. इससे याद रहेगा सबको. बोलो वाल को याद रहेगा. यस सर. तो ये ऑर्डर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दिस यू हैव टू मेमोराइज. ओके तो बाकी तीनों आप ट्राई कर सकते हैं. ठीक है और इन फैक्ट समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें. मेरे को लगा था आप लोग को ये सब चीज पता होगा लेकिन हमको लगता है कि और आप लोग को थोड़ा ब्रश अप करने का जरूरत है. चलो ठीक है कोई बात नहीं. अच्छा अभी हम लोग क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं क्या. आप लोग का और कोई क्लास तो नहीं है अभी. नो सर मेरा 8 बजे है. 8 बजे ओके ठीक है तो 8 बजे तक करते हैं हम अगले क्लास को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं. तो आप लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है देख के जस्ट एक मैसेज करके फिर आते हैं.
ओके चलो तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी. सी तो अब हो जाएगा आप लोगों से. सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर एंड सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू. बताओ इन दोनों में कैसे होगा प्लस आर इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट, किसका ज्यादा होगा? जल्दी जल्दी बोलो. NH2 is greater than O. NH2 का ज्यादा होगा क्यों? बोलो बोलो सर. OR तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. प्लस आई इफेक्ट शो करेगा नहीं, OR प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा. OR तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये भी खींचेगा. नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी खींचेगा. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा खींचेगा, तो आंसर उल्टा हो जाएगा. समझ में आया रिया? और सर आर भी तो है, आर प्लस आई इफेक्ट देगा. हाँ ठीक है, आर इफेक्ट है. ओवरऑल ये क्या होगा? नहीं, ओवरऑल ये भी आर इफेक्ट से भी ये खींचे गए, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं? आई इफेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं आर इफेक्ट नहीं कह रही हूँ सर, वो एल्काइल ग्रुप जो है ना आर, हाँ हाँ, वो प्लस आई इफेक्ट देगा ना. ओके, ये प्लस आई इफेक्ट से इधर देगा और ओके. इस केस में दो अगेन दो ऑपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं. ठीक है, अगर ई एन से आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस वन ओ आर इज ग्रेटर देन एन एच टू. ठीक है, लेकिन अगर इस बगल वाले ग्रुप के इफेक्ट से देखो तो ऑर्डर उल्टा आता है. ठीक है, तो अगेन दिस बिकम्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग. ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा एग्जाम में. ठीक है, और बोलो बोलो अमीशा सर, कुछ कह रहे थे? वो तो थोड़ा बोलेंगे क्या मतलब आपने तो लिखा ओआर ग्रेटर देन ओआर एन को कंपेयर करना है ना. हाँ, अपने को क्या करना है, ये ओआर जो है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होना चाहिए, ओआर का ज्यादा होना चाहिए बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर. बट इफ वी एनालाइज द नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R is a electron donating group. तो ये क्या करेगा, electron इसको देगा, तो overall इसका minus I effect थोड़ा कम हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि इसको बगल से मिल रहा है. बात समझ में आ रही सबको? हाँ सर. और यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये overall क्या करेगा, ज्यादा करेगा. R क्या आपका ज्यादा मतलब plus I effect दिखाता है, more than O means मतलब ओ जितना कंपैरेटिवली माइनस आई इफेक्ट दिखा था उससे ज्यादा क्या आर मतलब प्लस आई इफेक्ट दिखा. हां वही तो, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. सो दिस बिकम्स एन एक्सपेरिमेंटल थिंग. ठीक है, कि इस दोनों में कौन ज्यादा होता है. तो मेरे को जहां तक याद है ऑर्डर के हिसाब से आई थिंक NH2 ज्यादा होता है. ठीक है, तो इसको इग्नोर करो, ये मतलब उतना काम का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, ये जस्ट कुछ फैक्चुअल डाटा हमने दे दिया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाँ ये इजी है, F Cl Br I. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सबको. ठीक है, नेक्स्ट वन इज OH OR एंड NH2. अगेन दिस बिकम्स लिटिल कंट्रोवर्शियल. इस दोनों में तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि OH क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू OR, क्योंकि R को बगल से भी मिल रहा है, इसको कुछ बगल से मिल नहीं रहा है, ये सारा इधर से ही खींचेगा. ठीक है, ओ आर और एन एच टू में क्या होगा, अगेन इट बिकम्स एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, तो आई थिंक एन एच टू ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा होगा, अगेन दिस इज एक्सपेरिमेंटल. तो ये हम ऑर्डर आपको बता देंगे, पूरा एक लंबा सा लिस्ट होता है, उसको आप थोड़ा सा पार्ट्स में उसको समझ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ कुछ चीजें हैं उसमें भी जो आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि उसमें दो कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्टर्स काम करते हैं. ठीक है,
तो टेंशन मत लो, ये सब क्वेश्चन जेई कभी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं पूछता, ठीक है? वो हमेशा इजी क्वेश्चन में आपको क्या कराता है, आउट कराता है, इजी बॉल पे आउट कराता है, ठीक है? कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा। उसके बाद फिर क्या बोले, अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो तो आपके मुंह से ओ शिट नहीं निकलेगा, ठीक है? लेकिन जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसा होगा कि आपने कर रखा होगा, बट स्टिल एग्जाम में वो इस तरह से पूछेंगे कि आप गलती करके आओ और फिर घर आके ओ शिट बोलो। तो ये ओ शिट सुनने में बहुत मजा आता है जो भी हमारे क्वेश्चन सेटर्स होते हैं उनको। ऐसे बॉल पे आउट करते हैं आपको कि आपको बाद में लगता है कि इस पे आउट नहीं होना चाहिए था। चलो ठीक है, तो अब हम लोग इधर आते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग को स्टेबिलिटी कंपेयर करनी थी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस PH CH2 माइनस एंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ठीक है? इसका बताओ आंसर क्या होगा बालको, जल्दी से। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। कौन बताएगा? ओशी आप बताइए। Which should be most stable out of all these three? What should be the order? Hello, Ishi, can you hear me? Hello. Sir, मैं आपको चैट में भेज दूँ, मतलब आप अगर enable, ठीक ठीक है, ठीक है। चैट enable नहीं है क्या? तो पता नहीं उसका कनेक्शन लूज है, ठीक है? भावे आप बताओ 1 2 3 में क्या होगा ऑर्डर? सर 2 3 1। 2 ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 3, ये ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 1। दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग? यस सर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है? करेक्ट, ये ऑर्डर आपका करेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे जो रिंग का डिलोकलाइजेशन होगा चार्ज का, वो ज्यादा परे एरिया पे हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है। दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, और ये उसके बाद आएगा क्योंकि दिस इज विनाइल, दिस इज अलाइल, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है? यहाँ पे कुछ रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड नंबर। अच्छा, ये तो ईजी था। CH2 plus NO2, तो हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, ठीक है? दिस इज पारा, एक मेटा है, एक ऑर्थो है, और एक क्या है, बिना NO2 के, बिना NO2 के जो है उसको हम X बोल रहे हैं, ठीक है? तो कौन बताएगा? अमीशा आप बताइए, इन चारों में ज्यादा कैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करेंगे? अमीशा आपको बताना चाहिए, आई थिंक आप को ये चैप्टर पढ़ाया है, हमने पढ़ाया ना, मेरे को जहां तक याद आ रहा है सेशन के स्टार्टिंग में 11th के बैच के साथ। बोलो क्या होगा इसमें ऑर्डर, पी ओ एम और एक्स में ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल, देन थर्ड पारा, देन मेटा, देन सेकंड। Second is this meta. Sir, questioning पर दिखा सकते हैं, यहाँ पे नहीं। क्या 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 बोला आपने? Sir, 1 minute से question नहीं दिख रहा है कि तो एक ही system use करें। क्या एक ही system, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, ओके, ये तो आपने गलत बताया अमीशा। ओके भव्य आप बताइए। सर सेकंड वाला मतलब पैरा पैरा मोस्ट स्टेबल होगा, देन
रखे बाद फोर्थ वाला मतलब विदाउट एनोट विदाउट वाला उसके बाद फर्स्ट और थर्ड वाला सेम लग रहा है फर्स्ट और थर्ड सेम फर्स्ट तो आपने बता दिया ना पैरा नहीं नहीं वो एनओ2 जहां पे ओहो नहीं नहीं पहला मेटा फिर उसके बाद विदाउट एनओ2 ठीक है पहले पैरा फिर मेटा फिर विदाउट एनओ2 नहीं मेटा एनओ मेटा एक बार डिसाइड करो सबसे ज्यादा कौन है मेटा मेटा उसके बाद फिर एक्स एक्स फिर उसके बाद पैरा पैरा फिर ऑर्थो ऑर्थो देखो पैरा और ऑर्थो सेम लग रहा है अच्छा ये भी आपने गलत बता दिया और बताओ अविंशु सर मेटा पैरा ऑर्थो एंड देन एक्स मेटा पैरा ऑर्थो देन एक्स ये भी आपने गलत बता दिया आप लोग इतना गलत कैसे बता सकते हो भाई मतलब जीओसी का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मतलब आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है ऐसे काम नहीं चलेगा देखो अपने को क्या करना है तीनों के में इफेक्ट एनालाइज करना है इस पॉजिटिव चार्ज पर इस NO2 का ठीक है तो NO2 कैसा है NO2 कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा बोलो बोलो प्लस आर प्लस आई माइनस आई क्या क्या करेगा बताओ जल्दी सर माइनस आई एंड माइनस आर माइनस आई एंड माइनस आर वेरी गुड ठीक है तो ये तो पता है आपको फिर कैसे इतना गलत बोल रहे हैं आप लोग देखो एनओ टू हमारा क्या करेगा चैट में कौन क्या लिखते हैं ओके चलो ठीक है तो प्लस आर एंड प्लस आई यहाँ पे भी क्या होगा प्लस आर एंड प्लस आई यहाँ पे भी क्या होगा प्लस आर एंड प्लस आई ठीक है प्लस प्लस आर नहीं माइनस आर करेगा भाई माइनस आर माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आर माइनस आई ठीक है रेजोनेंस से खींच रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन तो माइनस करेगा ना प्लस क्यों बोला आपने सर मैंने माइनस ही बोला था शायद अच्छा अच्छा ठीक है मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है सुबह से क्लास लेते लेते शाम तक पूरा फ्यूज हो जाता है चलो ठीक है तो रेजोनेंस हमारा क्या होता है तो आप लोग को ये पता होगा नहीं पता होगा तो अभी नोट कर लो ठीक है रेजोनेंस रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन आर मोर इफेक्टिव एट ऑर्थो स्लैश पैरा पोजिशंस ये चीज पता है सबको पता है बोलो बोलो yes, sir. तो पता तो फिर गलत क्यों बोले आप लोग हैं देखो ऑर्थो और पैरा में क्या होगा माइनस आर इफेक्ट शो करेगा तो इफेक्टिवली क्या करेगा यहाँ पे बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस प्रोड्यूस करेगा ठीक है चार्ज इंटेंसिफाई होगा अनस्टेबल होगा ठीक है पैरा पोजीशन पे भी ये क्या करेगा बहुत ज्यादा डेल्टा प्लस प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ठीक है तो सबसे हाँ बोलो सर यहाँ हम रेजोनेंस मतलब माइनस आर से हम नहीं देख सकते मतलब ऑर्थो और पैरा में जितना रेजोनेंस हो रहा है और मेटा में जितना रेजोनेंस हो रहा है हाँ वो रेजोनेंस ही देख रहे हैं ठीक है सारा फैक्टर देखना होगा सिर्फ किसी एक फैक्टर के बेसिस पे हम लोग नहीं कह सकते ठीक है तो चूंकि सबसे पहला रूल हमारा क्या था कि रेजोनेंस डोमिनेट करता है ओवर हाइपर कंजुगेशन ये डोमिनेट करेगा ओवर इंडक्टिव इफेक्ट इसलिए हमने रेजोनेंस से शुरुआत की एनालाइज हमको सारा फैक्टर करना है बात समझ में आ रही है ठीक है तो ओवरऑल इसमें हमारा कुछ इफेक्ट नहीं है इसमें बाहर से कुछ नहीं है तो इसमें बस प्लस चार्ज रहेगा और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये डेल्टा प्लस प्रोड्यूस करेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो एक्स होना चाहिए ये तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए लेकिन किसी ने बताया नहीं सब एक्स को लास्ट में कर रहे हैं ठीक है तो एक्स आपका क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसके बाद
ऑर्थो और पैरा पे क्या है, रेजोनेंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और रेजोनेंस से ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस से ये मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है या डिस्पर्स हो रहा है, बोलो सर? डिस्पर्स हो रहा है, मतलब जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, इंटेंसिफाई हो रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा ये खींच रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा प्लस चार्ज दे रहा है, बात समझ में आ रही है विंशु? ओके, तो ये रूल आप हमेशा याद रखो, रेजोनेंस डोमिनेट करता है इस स्टेटमेंट, ये दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, इससे बहुत अच्छा अच्छा सवाल हो जाता है, मतलब अगर रेजोनेंस से चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है तो दैट विल बी मोस्ट अनस्टेबल, और अगर रेजोनेंस से चार्ज डिस्पर्स हो रहा है दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, समझ में आ रहा है? Yes, sir. This is a very powerful statement. Resonance अगर किसी को फेवर कर रहा है तो बेस्ट बन जाएगा, अगर रेजोनेंस किसी को बर्बाद कर रहा है तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस बर्बादी पे लगा हुआ है, तो ऑर्थो और पैरा को क्या करेगा, सबसे खराब बना देगा, और इधर मेटा होगा, रेजोनेंस के बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, बात समझ में आई? बोलो बोलो. Yes, sir. फिर हम लोग अगले फैक्टर पे चलते हैं, ठीक है, रेजोनेंस, अब ऑर्थो और पैरा में रेजोनेंस हमारा कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा, क्योंकि रेजोनेंस दोनों जगह पे क्या होगा, इक्वली इफेक्टिव होगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगले इफेक्ट पे जाते हैं, दैट इज हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन कुछ होगा नहीं इसमें, फिर हम लोग अगले इफेक्ट पे जाएंगे, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जो हमारा ऑर्डर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस से जो ऑर्डर आ रहा है उसको ये ओवर रूल कर देगा, ठीक है, रेजोनेंस से जो ऑर्डर आ रहा है वहां तक अगर कुछ चीज अनक्लैरिफाइड है उसको फर्दर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्लैरिफाई करेगा, बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो. हाँ सर. हाँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे यही गलती किया है कि आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को पहले काउंट कर लिया इन कंपैरिजन टू क्या बोलते हैं हमारा रेजोनेंस, ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा होगा, मतलब ऑर्थो वाला ज्यादा खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट से या पैरा वाला? ऑर्थो. ऑर्थो, क्योंकि वो पास में है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो ऑर्थो वाला चूंकि पास में है तो वो ज्यादा खींचेगा, तो सबसे खराब कर देगा, उसके बाद ये, उसके बाद मेटा, देन एक्स, बात समझ में आई सबको? हाँ सर. ओके, तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देख लो एक बार, इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो. ठीक है, आगे बढ़े. चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री किसका था हमारा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बताने थे, पहला कंपाउंड है आपका ये, दूसरा कंपाउंड है आपका, ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओ, ये इलेक्ट्रॉन अगर आप इधर शिफ्ट कर दिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, डबल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपने इधर शिफ्ट कर लिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, इधर शिफ्ट कर लिया क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, तो आप देखो कंपाउंड नंबर वन और कंपाउंड नंबर फोर क्या है, सॉरी दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, तो वन एंड फोर आर सेम, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज थ्री, समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ये तो इजी था, ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको फॉर्मूला से नहीं कर सकते, फॉर्मूला से कभी कभी गलत आंसर आ जाता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वैसे, इससे 2 आएगा, 2 टू द पावर n होता है, n उसमें रिस्ट्रिक्टेड सेंटर, मतलब जहां डबल बॉन्ड है, अच्छा, तो इसका, इसमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए, इसका 2 आ रहा है,
2 to the power नहीं 2 to the power 1 आ रहा है तो इसका दो ही स्ट्रक्चर होगा हाँ फॉर्मूला से ऐसा आ रहा था इसलिए नहीं 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 ये नहीं होगा इसके 7 स्ट्रक्चर होंगे जैसे इसमें 3 आ रहा है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सो रूल आपका ये है कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलोइंग द सेंस ऑफ रोटेशन ठीक है फॉलोइंग द सेंस ऑफ रोटेशन मतलब अगर आपने एक बार इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज घुमाया तो सारे में आप क्या करो क्लॉकवाइज घुमाओ हमने यहाँ पे क्या किया एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो देखो हम इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ठीक है तो सेंस ऑफ रोटेशन अगर हम फॉलो करेंगे तो ओवर काउंटिंग नहीं होगी ठीक है जितने आ रहे हैं उतने ही आएंगे अगर हम सेंस ऑफ रोटेशन फॉलो नहीं करते तो एक्स्ट्रा आ जाता है ठीक है यहाँ पे जैसे हम उल्टा सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज करते हैं ठीक है तो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा फिर ये वाला घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा ये दूसरा स्ट्रक्चर होगा फिर ये वाला इधर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर शिफ्ट हुए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया ठीक है तो दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर क्या है हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं थर्ड स्ट्रक्चर तक ये डबल बॉन्ड इधर आ चुका है ये डबल बॉन्ड इधर आ चुका है ये डबल बॉन्ड इधर आ चुका है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ठीक है अगेन सेंस ऑफ रोटेशन को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे हमारा ये चौथा स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे ये हमारा पांचवा स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यहाँ पे हमारा छठा स्ट्रक्चर हो जाएगा ठीक है छठा स्ट्रक्चर क्या होगा उसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे आया ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया ये डबल पॉजिटिव ठीक है छह स्ट्रक्चर्स हो गए ओके सेंस ऑफ रोटेशन को फिर से फॉलो करते हुए हम लोग इसको इधर घुमाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया सो दिस इज द सेवेंथ स्ट्रक्चर विच इज आइडेंटिकल विद द फर्स्ट वन तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेवेंथ आर सॉरी दिस इज द एट्थ ना अच्छा पहला वाला तो ये ओरिजिनली था दिस इज द सेकेंड वन दिस इज द थर्ड वन दिस इज द फोर्थ वन दिस इज द फिफ्थ वन दिस इज द सिक्स्थ वन दिस इज द सेवेंथ वन एंड दिस इज द एट्थ वन ठीक है एट्थ वन इज आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे 7 सबको दिख रहा है ये जैसे हमने घुमाया है इलेक्ट्रॉन्स सर वो 7 मतलब कैसे अच्छा हाँ ठीक हाँ ओरिजिनली हमारा ये था पहला फिर ये जब घूमा तब जो बना दैट इज सेकंड वन ठीक है ये वाला और ओरिजिनली जो ये ग्रीन कलर का है ये दोनों आइडेंटिकल है ना सेम ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बात समझ में आई यस ओके तो इस तरह से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं तो इसको ड्रॉ करने का आप लोग आदत डालो ठीक है नहीं तो फंस सकते हैं नेक्स्ट इज ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से ट्राई करना 4 अच्छा क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 हम बता रहे थे एरोमेटिक ये सबसे हो गया होगा एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आइडिया है सबको अच्छा ठीक है हम सारे कंपाउंड्स बाप रे इतने सारे कंपाउंड ड्रॉ कर लेंगे चलो ठीक है करते हैं दिस इज
लोग एक बार ट्राई करते जाओ इसको, ठीक है, हम फाइनली डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में बढ़ता है। इससे बहुत ओके तो बताओ, बताते जाओ ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, बोलो सब लोग एक साथ। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, चलो इसीलिए हमने बोला सबको एक साथ। आप दोनों लड़ो आपस में, ठीक है, और मेरे को एक आंसर बताओ, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? हकल्स रूल पता है सबको? यस सर, वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो एरोमेटिक। हाँ, तो हकल्स रूल का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया 1 कि कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन शुड बी देयर, ठीक है। सेकंड थिंग, जितने इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, इफ दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम आउट टू बी ऑफ फॉर्मेट 4n+2, देन द कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। इफ इट इज ऑफ द ऑर्डर 4n, देन इट इज कंसिडर्ड एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है जिनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, किसने बोला था एंटी एरोमेटिक? बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर एरोमेटिक होगा ना? एरोमेटिक होगा, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, ठीक है, तो 4n+2 के फॉर्मेट का है, दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। सेकंड कंपाउंड दिस वन, व्हाट अबाउट दिस वन? बोलो बोलो जल्दी बोलो आप लोग। आप बोल के तुरंत माइक ऑफ कर देते, मेरे तक साउंड पहुंचता नहीं है। आप लोग बोलो जल्दी से, इसको क्या होगा, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ठीक है, सबको, सब लोग को, सब लोग एग्री करते हैं? किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलो जल्दी से, टाइम नहीं है ज्यादा हमारे पास। नो सर, हाँ मतलब डाउट नहीं, डाउट नहीं है, ओके। थर्ड वन, ओके भव्य, आप बताइए थर्ड वन।
नॉन एरोमेटिक क्यों? बोलो बोलो भाभी। क्या 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 बोला? एंटी एरोमेटिक क्यों सर? क्योंकि एंटी एरोमेटिक तब होता है ना जब 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो डीलोकलाइज्ड। यहाँ पे 4n कहाँ है? सबसे ये एरोमेटिक ही रहेगा। हाँ, एरोमेटिक है कि नहीं? एरोमेटिक क्यों? ये नॉन एरोमेटिक क्यों नहीं है? यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन आपको दिख रहा है? देखो यहाँ पे आपको भले ही दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन होगा, ठीक है? क्योंकि बोरोन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, जस्ट लाइक दिस कार्बोकैटायन। यहाँ पे भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2, इसीलिए ये इधर से घूम के डबल बॉन्ड बना पा रहा था, तो ये भी घूम के क्या होगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। इधर देखो आप, बी दिस थिंग एच, इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो यू गेट डबल बॉन्ड बी एच, यहाँ पे क्या होगा? प्लस, ठीक है? समझ में आ रहा है? फिर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सॉरी इससे इस तरफ, ठीक है? तो बी माइनस क्या होगा? ए प्लस, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक। बात समझ में आई सबको? जोर से बोलो सब लोग, यस सर, यस सर, यस सर। जोर से बोलो थोड़ा आप लोग, सब लोग बोल नहीं रहे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, जो भी है। यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में क्या होगा? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। जल्दी बताओ, कल को लेट हो रहा है, 8 बजे तक खत्म करना है क्वेश्चन। बोलो बोलो। ओके ठीक है, हम एक एक करके पूछते हैं सबसे। रिया आप बताइए इसको। सर ये एंटी होगा। एंटी होगा क्यों? बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोल के सिर्फ चुप नहीं रहना है। तो यहाँ 4n इलेक्ट्रॉन्स। 4n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? एंटी एरोमेटिक होगा, सही बोला आपने। दो इलेक्ट्रॉन्स इधर है नाइट्रोजन के पास, दो इलेक्ट्रॉन इधर, जस्ट लाइक दिस कंपाउंड दिस विल आल्सो बी एंटी एरोमेटिक, ठीक है? ये वाला कंपाउंड भव्या बताओ जल्दी से। हेलो सब लोग रेडी रहो भाई आंसर के साथ, किसी को भी पूछ सकते हैं। भव्या बताओ इसका। हेलो भव्या, कैन यू हियर मी? बोलो, समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करें। हेलो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? सर एंटी एरोमेटिक होगा। क्यों एंटी एरोमेटिक होगा? अच्छा नहीं नहीं सॉरी, एरोमेटिक होगा। क्यों एरोमेटिक होगा? सर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मतलब 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सर 4n प्लस 2 ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज बताना चाहिए, ये जो कंपाउंड होता है हमारा
ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दिस कंपाउंड इट एग्जिस्ट लाइक दिस, आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, व्हाई इट एग्जिस्ट लाइक दिस, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो दिस विल बी एरोमेटिक, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा ना ये वाला पहला वाला जो कंपाउंड था हमारा, दिस वाज एरोमेटिक, तो इसलिए दिस कंपाउंड मींस हमें पहले मतलब इसका जो आयनिक फॉर्म है उसको देखना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, जैसे ये वाला भी आप देख लो, तो ये भी क्या होगा इस तरह फिगर करके डबल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो छह इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो दिस विल आल्सो बी एरोमेटिक, ठीक है, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, ओके, नेक्स्ट वन ये भव्य बताओ। हेलो भव्य, आप कुछ नहीं दे रहा है? भव्य आर यू देयर, मीटिंग में है कि नहीं? सर उसने चैट्स में लिखा है। चैट्स लिखा है ना, प्लस प्लस? नहीं सर, चैट्स में लिखा है उसने आंसर। ओके ओके, बोल भी सकते हैं, ये चैट मेरे को दिख नहीं रहा है। एंटी एरोमेटिक? नहीं, एंटी एरोमेटिक तो नहीं है ये भव्य। आप बताइए एंटी एरोमेटिक क्यों लग रहा है आपको? देखो हमने सिंपल बताया, यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं उसको काउंट करना है, ठीक है, अगर 4n plus 2 के फॉर्मेट का होता है तो दैट इज एरोमेटिक, 4n का होता है तो दैट इज एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं? बस दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 4 इनटू 0 प्लस 2, तो ये एरोमेटिक के फॉर्मेट का है, तो एंटी एरोमेटिक क्यों बोला आपने? दिस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिया आप बताइए। सर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हाउ? कितने इलेक्ट्रॉन्स है इधर? सर बॉन्ड्स में दो है और फिर माइनस में। माइनस में भी दो होंगे ना? यहाँ पे हमने इसको काउंट किया ना यार, दो में, दिस इज टू, दिस इज टू, चार हो गए, तो इसलिए एंटी एरोमेटिक बोला इसको, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 हो गए, तो 6 हमारा 4n + 2 के फॉर्म का आ गया, तो एरोमेटिक हो गए ना। ओके सर। ओके ओके, तो फिर इसका बताओ आप, रिया आप बताओ। जल्दी जल्दी सर, ये एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होगा, वेरी गुड, ठीक है। ये वाला बताओ फिर से रिया, आप ही बताओ। सर एरोमेटिक। एरोमेटिक, ठीक है। ओके, देन ये कौन बताएगा? ये अमीशा आप बताइए। हेलो सर, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे सर? वो तो आपका मतलब इधर तो चार इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन है, बोल। तो बाकी सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया, ये सिंपल रूल है, 4n plus 2 होगा, सबसे पहले देखना है कंजुगेशन में पूरा है कि नहीं, ठीक है, सब कंजुगेशन में है तो हम लोग चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो कंजुगेशन में है। 4n plus 2 का फॉर्मेट होगा तो एरोमेटिक होगा, 4n होगा तो एंटी एरोमेटिक होगा, सिंपल है, दो लाइन का रूल है, उसमें सब लोग ऐसे मतलब परेशान दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, अच्छे से करिए इसको, बस इसमें कुछ समझना नहीं है, बस सारे रूल्स है। इसका कौन बताएगा? अमीशा आप बताइए। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख नहीं रहा है, ये अच्छी आदत है। अभी दिख रहा है? बोलो बोलो।
क्या हो गया आप लोगों को? सर ये एरोमेटिक एरोमेटिक होगा। ठीक है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? फटाक से काउंट करो। ये वाला कंपाउंड सर एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे? ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है ना। तो एंटी एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक ही होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन, आप देखो रेजोनेंस जब भी कराओ तो ऑक्सीजन के ऊपर आपने कभी भी 2+ चार्ज नहीं देखा होगा। ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा एक ही लोन पेयर एट मैक्स दे सकता है। ठीक है, तो ऑल्दो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लेकिन कॉन्जुगेशन में, कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन में हमारे पास कितने, बस दो ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। समझ में आया? यस सर। ओके, देन ये कंपाउंड क्या होगा बताओ? एरोमेटिक। ठीक है, दिस सल्फर इज आल्सो लाइक दैट। ये तो हमारा बेंजीन है, दिस इज एरोमेटिक। ये पिरिडीन है, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। ये वाला कंपाउंड क्या होगा भव्य, आप बताओ? बोलो 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 बोलो। अच्छा, चैट में रिप्लाई करते हैं। एरोमेटिक, ठीक है, गुड। एरोमेटिक, ठीक है, ओके। ये वाला कोई भी बता दो मेरे को जल्दी से। सर एरोमेटिक। एरोमेटिक किसने बोला? एरोमेटिक रिया। रिया कैसे हो रहा है एरोमेटिक रिया? सर ऑक्सीजन दो दे रहा है, दो दे रहा है, और वो बॉन्ड्स की वजह से चार इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड्स की वजह से चार इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे ये अभी तक हम लोगों ने जितना देखा उसमें सारे में कंप्लीट कंजुगेशन हो रहा था। ठीक है, ओके, भव्या इज टेलिंग द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया हमने क्या बताया कि कंप्लीट कंजुगेशन शुड हैपन। कंप्लीट कंजुगेशन शुड टेक प्लेस। अब ये वाले कार्बन पे फोकस करो, ये जो हमने, यहाँ से आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं, ये तीनों आपस में बस कंजुगेशन में, इस कार्बन तक कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे पूरे रिंग में कंजुगेशन नहीं। सो दैट इज व्हाई दिस इज नाइदर, पहला ही क्राइटेरिया इसका सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हम कहेंगे नहीं, दिस इज नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ रिया, आप बताओ इसको। सो ये तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, वेरी गुड। ये हमने बता दिया एरोमेटिक, ये इंफॉर्मेशन है, आप याद रखो दिस इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, दिस इज एक्सेप्शन, ब्लैक पेन से यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों है ये एक्सेप्शन? तो आप अगर काउंट करो तो क्या आता है, 2+2+2+2 8 आता है, तो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड बहुत इंटेलिजेंट है, ये कंपाउंड सोचता है कि अगर बेंडिंग वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये चेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हाँ यस, चेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दिस कंपाउंड बिकम्स नॉन प्लेनर। ठीक है, क्योंकि इसको पता है अगर प्लेन में रहेंगे तो क्या होगा, एरोमेटिक बन जाएंगे, सॉरी एंटी एरोमेटिक बन जाएंगे, और एंटी एरोमेटिक चीज अनस्टेबल होता है, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर को अज्यूम करता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, एक तरफ से वो बेंड कर जाता है। समझ में आ रहा है सबको? सो अब ये नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर होने के कारण इसका कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। ठीक है, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, तो इसलिए कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। नोटिस करो वाल को, अभी तक हम लोगों ने जितना एंटी एरोमेटिक देखा है उसमें से कोई भी ये चीज नहीं कर सकता, बेंड नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि तीन मेंबर रिंग या चार मेंबर रिंग क्या होता है, बेंड नहीं कर सकता। बेंडिंग हमारा सिक्स मेंबर रिंग या उसके ऊपर वाला कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। ये वाला हमारा नेप्थेलिन है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये वाला हमारा एंथ्रासीन है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है,
ये हमारा पाइरीन है, दिस इज एरोमेटिक लेकिन क्यों? इसके अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 + 2 = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये 4 एन का फॉर्मेट आता है, बट स्टिल दिस इज एरोमेटिक. हाउ सर? वो जो मतलब वो जो एजेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए सिर्फ मतलब एरोमेटिक हो. चलो बढ़िया. तो हम लोग क्या करते हैं, हकल्स रूल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, those electrons which are on the periphery of the atom, ठीक है, सिर्फ उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं. तो ये कंपाउंड बहुत फेमस है, दिस इज कॉल्ड एज पाइरी. तो जो हमारे पेरीफेरी पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, बस हम क्या करते हैं, उन्हीं को काउंट करते हैं. पेरीफेरी मतलब ये बाउंड्री, बाउंड्री के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है. उसी को हम काउंट करेंगे, तो ये वाले को काउंट नहीं करेंगे. अब काउंट करो तो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 आएंगे, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाता है, एरोमेटिक. ठीक है, तो रूल हमारा क्या हो गया, पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड ओनली, पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट काउंटेड. ठीक है, तो इसलिए एक और चीज यहाँ पे नोट करने लायक है, जनरली कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड क्या करता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता. Generally, aromatic compounds don't give bromine water test. ठीक है, क्यों नहीं देते ये लोग bromine water test? क्योंकि aromaticity हमारी खराब हो जाएगी. Bromine water test होता क्या है, double bond पे Br2, कोई दूसरा compound ले लो, CH3. CH double bond CH2, ठीक है, इस पे आपने क्या किया, ब्रोमीन वाटर डाला, तो क्या होगा, CH3 CH Br CH2 Br. ठीक है, जनरली सारे डबल बॉन्ड्स क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देंगे, लेकिन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नहीं देते. ठीक है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड्स पे एडिशन रिएक्शन या Br का शो नहीं करते. ठीक है, बट दिस पार्टिकुलर कंपाउंड, ये जो हमारा पाइरीन है, इट हैज a pi bond which is not involved directly in conjugation. So, ये क्या करता है? This gives bromine water test. ठीक है? और ये bromine water test देगा, और bromine water test के बाद क्या होगा? यहाँ पे और यहाँ पे bromine जुड़ जाएगा. Clear है ये चीज सबको? Yes sir. Okay. तो ये था आपका compound pyrene, इसका story था. फिर again ये BH वाला है. तो ये आपके कार्बोकटायन जैसा ही हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने ऊपर इस कार्बोकटायन कहा गया, ये वाला जो कार्बोकटायन हम लोगों ने देखा उसी के जैसा इसका भी स्टोरी है. ठीक है, तो दिस विल आल्सो बी एंटी एरोमेटिक. ये वाला कंपाउंड अगेन बहुत स्पेशल है, इसको काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10. ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक हो जाएगा बहुत बढ़िया से. ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एज्यूलीन बोलते हैं. अगले स्लाइड पे इसको देखते हैं, ये भी एक स्पेशल कंपाउंड है. This compound is called as azulene, and this compound is polar in nature. ठीक है, generally आपके सारे aromatic compounds क्या होते हैं, non-polar होते हैं. जनरली ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर. लेकिन ये कंपाउंड क्या होता है, हमारा पोलर होता है. क्योंकि अब ये कैसे हो रहा है ये मेरे से मत पूछना, बस होता है ये जान लो. ये सॉरी क्या बना दिया, this compound is observed to have
पॉजिटिव चार्ज रोटेटिंग इन द 7 मेंबर रिंग एंड नेगेटिव चार्ज रोटेटिंग इन द 5 मेंबर रिंग. इसी के कारण एक डाइपोल क्रिएट होता है और उसी के कारण ये कंपाउंड हमारा क्या होता है, पोलर इन नेचर. अब ये कैसे हो रहा है ये आप लोग थोड़ा गेस करो. ठीक है, हम लोगों ने देखा 7 मेंबर रिंग क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक होता है और 5 मेंबर रिंग नेगेटिव चार्ज के साथ एरोमेटिक होता है. याद है सबको इन दोनों कंपाउंड्स को हमने देखा कहां गया, 7 मेंबर ये वाला क्या बाप रे इतना बीच पीछे हो गया इस स्लाइड पे, ये जो हमारा है ठीक है एक्स देखा सबको. यस सर. हां और 5 मेंबर कहां दिखा था, 5 मेंबर हां यहां पे एक्स. ठीक है, तो 5 मेंबर माइनस चार्ज के साथ एरोमेटिसिटी बनाता है और 7 मेंबर पॉजिटिव चार्ज के साथ एरोमेटिसिटी बनाता है. ठीक है, तो एज्यूलिन के अंदर दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होते हैं. इस बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस चार्ज इधर घूम जाएगा और यहां पे प्लस चार्ज होगा जो इधर घूम जाएगा. ठीक है, तो इसी के कारण दिस कंपाउंड इज पोलर इन नेचर. ठीक है, तो इसी के साथ आपका एरोमेटिसिटी खत्म हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन बच गए हमारे शीट के. तो ये शीट एक बार आप फिर से अटेम्प्ट करो. ठीक है, और हम जीओसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो आप लोग ट्राई करना. ठीक है, ओके. आज जो पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है बोलो एक बार. नो सर बोल दो, मेरे खुशी के लिए बोल दो. नो सर. नो सर. ठीक है, ओके, चलो फिर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.